आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, हम अपना गन्ना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने कुछ पिछले वीडियो में हमने बात की है गन्ने की फसल में हम खाद और उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप और हम सबको पता है कि हमें अपने खेत में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को देना ही बहुत आवश्यक होता है, जिससे हमें अपने जो फसल हम बो रहे हैं उसको आवश्यकता होने पर जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो वो उसे प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक हमें किसान भाइयों को जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें गोबर की खाद अंतिम जुताई करने से पूर्व देनी चाहिए। गन्ने के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। हमें अच्छी से अच्छी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हमारी प्रजाति अच्छी होगी और रोग रहित होगी तो हमारी उपज अधिक से अधिक होगी। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी जो प्रजाति बो रहे हैं उसके लिए मिट्टी उपयुक्त है, जल अनुकूल होगा और वातावरण अनुकूल है। ये सब देखते हुए हमें अपनी गन्ने की प्रजाति का चयन करना चाहिए। गन्ने की उचित जड़ विकास एवं अंकुरण के लिए आवश्यक प्रारंभिक आवश्यकता यह है कि गन्ने की बुआई के समय गन्ने के बीज और मिट्टी के बीच अच्छा संपर्क बना रहे। जड़ों को मिट्टी की गहरी परतों तक पहुँचने के लिए मिट्टी का आभासी घनत्व कम होना चाहिए और जल धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। और गन्ना बोने की विधियों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारे भारत में बोई जाने वाली गन्ने की निम्नलिखित विधियां होती हैं, जैसे कि कूण विध, थाला विध, क्यारी विध, नाली विध। गन्ने की बुआई करते समय कूण से कूण की दूरी या पोत से पोत की दूरी 3 से 5 फीट रखनी चाहिए, यानी कि 120 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर इससे कम करते हैं तो हमारी उपज में अंतर आ सकता है, या इससे अधिक करते हैं तो उसमें भी अंतर आ सकता है। जैसा कि हम किसान भाई लोग अधिक से अधिक गन्ने की बुआई गन्ने की बीज से ही सीधे कूण में रोप कर करते हैं। अगर हमें गन्ने की उपज बढ़ानी तो हमें कम लागत और कम बीज से ही हम गन्ने की उपज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम पौध की नर्सरी तैयार करते हैं, यानी कि गन्ने की नर्सरी तैयार करके हमें अपने खेत में गन्ने की बुआई करनी। प्रति एकड़ खेत के लिए हमें 4800 पौधे यानी कि 2.5 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि साधारण बुआई के मुकाबले आधा ही है। इस विधि में लागत कम आती है, अंकुरण 100% होता है। इस विधि में हमें वही पौध रोपनी है जो अंकुरित हो चुकी है, इसीलिए इसमें हमें गैपिंग का कोई भय नहीं रहता है और उपज भी हमारी अच्छी होती है। इस विधि में हमारी खाद की भी बचत होती है। जहाँ पे हम पौध लगाते हैं वहीं पे हमें खाद देनी है और इसको लाने और ले जाने का भी खर्चा कम होता है और आसानी से इसे इधर उधर ले जा सकते हैं। इस विधि को हम सिंगल सेल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सिंगल सेल पद्धति अपनाने से हमें अधिक से अधिक किले निकलते हैं, जिससे कि हमारे खेत में उपज अधिक होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।